चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जीआरपी लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 12,354 रुपीज़ की। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 12,340 चल रही है एग्जैक्ट प्राइस, क्योंकि मार्केट ओपन है। बुक वैल्यू है 1,251 रुपीज़ की और पेट्रोस की स्कोर है 6 का। ये जो है 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी, और रबर वगैरह के बिजनेस में अपन ने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस कंपनी को। और अगर प्रोज एंड कॉन से बात करें तो स्टॉक जो है 8.31 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी लो है कंपनी का 10.2% लास्ट 3 ईयर्स, और कंपनी कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट पे। अगर प्रोज में अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 35.1% CAGR है लास्ट 5 ईयर्स, और कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है 19.7%। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंसिस अच्छे थे, अपन ने पिछली बार भी देखा था। तो इसमें 12 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को इस बार इनके मार्च 2024 के क्वार्टर में, और उसके बाद में उसके पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट जम भी है। पीएनएल की अगर अपन बात करें, पीएनएल में अगर अपन देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 23 करोड़ का है, जो 14 करोड़ से बढ़ करके हुआ है 2024 में ओवरऑल, और डिविडेंड पे आउट है 22% का। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है 27 करोड़ का। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -42 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 15 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। और अब यहाँ पे जो है अपने को शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 40.36% प्रमोटर होल्डिंग है और 59.64% पब्लिक होल्डिंग है। तो काफी बोलना चाहिए कोई ज्यादा बीच में और कुछ नहीं है। और FIIs ने अपनी होल्डिंग जो है स्क्वायर ऑफ कर दी है, और बाकी सब जो है होल्डिंग अभी भी है। तो प्रमोटर होल्डिंग 40.36% है। अब यहाँ पे जो है हम 12,600 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं। हमने यहाँ पे आप लोगों को जो लास्ट टाइम एक एनालिसिस दिया था वो दिया था 9,320 जो था, उसके पहले उसके बाद में कोई भी परचेजिंग बनती थी। तो हमने अपने लिए जो एनालाइज किया था वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि 9,320 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बना रहे हैं। अब देखिए ये 12,400 तक पहुंच चुका है, जो काफी अच्छा है। बट हमने एक चीज और नोटिस की, देखिए कैसे होती हैं चीजें। इस स्टॉक की आप अगर रैली देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग रैली की है इस स्टॉक ने, और हमें ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट का इससे पावर पता चलता है। देखिए दो, ये जो स्टॉक था 2020 में ही अगर अपन बात करें, सिर्फ 4 साल पहले, 4 साल पहले जो हाई लगाया था इस स्टॉक ने 625 रुपीज का लगाया था, मई जो है आपका जून में, जून 1, 2020 में जो इनका हाई था 600 के आसपास चल रहा था, ये 600 700 के आसपास चल रहा था। और आज ये जो स्टॉक है 12,398 पर पहुंच चुका है, मैंने 700 से बढ़ करके 12,000 तक आ चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस है स्टॉक का। तो इतना ज्यादा पावर होता है अगर सही स्टॉक के चुनाव किया जाए, और इन्वेस्टमेंट में इतना पावर होता है। जहाँ लोग FNO पे रिस्क लगाते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क पे लेते हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेज, अब इनके फाइनेंसेज जो हैं शुरू से अच्छे ही रहे हैं। अगर अपन यहाँ देखें तो प्रॉफिट्स इनके पास आप लगातार यहाँ देख सकते हैं, इनकी कंपनी प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट लगातार एक ही इनका है 2018 में, 2018 का लगातार प्रॉफिट में। अगर 2020 की बात करें, 2020 में भी लगातार प्रॉफिट में है। हालांकि इतना सफिशियंट नहीं है एनालिसिस करना, जैसा हम हर बार कहते हैं कंपनी को और डीप एनालिसिस करना होता है, मैनेजमेंट में कौन बैठे हुए हैं, अगर मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में जो लोग होते हैं वो उसका बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की। जो लोग अगर अच्छे नहीं है तो उनको चाहे कितनी अच्छी कंपनी दीजिए वो उसको बर्बाद कर देंगे, और वहीं अगर लोग अच्छे हैं तो खराब से खराब कंपनी में भी घुस के वो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी अच्छा करने की इच्छा होती है, उनको करना है काम उनको वहाँ पे। तो ये अपनी अपनी उसमें एनालिसिस में हमने जो देखा है इतने समय में, कि लोगों को देखना जरूरी है कि कौन मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। बट ओवरऑल कंपनी का बस यही है, इतना ही एनालिसिस है। हम जो है 12,600 के बाद ही कुछ भी अब आगे प्लान करेंगे। बाकी अच्छी खासी रैली की है स्टॉक ने, बधाई हो इनके इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट किया होगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।